वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैप्टर 7 MSSL 2010 पार्ट 3 में। और आज हम फिर से एक बार आपके लिए कुछ नए पॉइंट लेके आए हैं इस चैप्टर के, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कटिंग एंड पेस्टिंग सेल्स कॉन्टेंट, ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग सेल्स, यूजिंग द फिल हाइड्रेट टू फिल सेल्स, बेसिक कैलकुलेशन यूजिंग आकुसम एंड सेलिंग ऑफ बल्क को। इन पॉइंट्स के बारे में आज इस चैप्टर में जानेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे। आइए जानते हैं इस चैप्टर। कटिंग एंड पेस्टिंग सेल कंटेंट, किसी सेल कंटेंट को कट करना और पेस्ट करना। टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट फॉलो द स्टेप। सेल सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू कट। सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप कट करना चाहते हैं। आफ्टर देन क्लिक द कट आइकॉन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसके बाद हम क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट आइकॉन पर क्लिक करते हैं। क्लिक द सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट। उसके बाद उस सेल पर क्लिक करेंगे जहां पर अपने कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप आता है क्लिक द पेस्ट आइकॉन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। और उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम पेस्ट आइकॉन पर क्लिक करते हैं। द कंटेंट विल बी रिमूव फ्रॉम ओरिजिनल सेल एंड विल बी पेस्टेड इनटू हाइलाइटेड सेल। आपका जो कंटेंट होता है वो ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर के हाइलाइटेड सेल पर पेस्ट हो जाता है। लाइक दिस, जैसा कि आपने यहाँ पर A3 नाम की जो सेल थी उसके कॉन्टेंट को कट किया हुआ है और इसको C3 में जाकर के पेस्ट कर दिया है। तो A3 का जो कंटेंट है वो अपनी ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर C3 नाम की जो सेल है वहां पर पेस्ट हो चुका है, वहां पर अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट आता है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग सेल्स। टू ड्रैग एंड ड्रॉप सेल फॉलो द स्टेप। सेल को ड्रैग करना एंड ड्रॉप करना। सेलेक्ट द सेल और सेल्स डेट यू वॉन्ट टू मूव। सबसे पहले उस सेल को या सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप मूव करना चाहते हैं। मूव योर माउस पॉइंटर टू द एडजेस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। और अपने माउस पॉइंटर को सिलेक्टेड सेल के एड्रेस पर हम रखते हैं। द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंज फ्रॉम अ वाइट क्रॉस टू क्रॉस वाइट क्रॉस विथ फोर एरो। और जैसे अपने माउस पॉइंटर को आप सिलेक्टेड सेल के एड्रेस पर रखते हैं तो आपका जो माउस पॉइंटर है उसका जो शेप होता है वो वाइट क्रॉस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्रॉस होता है वाइट क्रॉस, ये फोर एरो के फॉर्म में हो जाता है, जैसा कि भी आप देखेंगे। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन। अपने लेफ्ट माउस बटन को आप प्रेस करेंगे एंड ड्रैग द सेल टू द न्यू लोकेशन। और अपने सेल्स को आप न्यू लोकेशन पर ले जा सकते हैं। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करते हुए अपने सेल को हम न्यू लोकेशन पर ले जाते हैं। रिलीज योर माउस बटन। और अपने माउस बटन को हम रिलीज कर देते हैं। द कंटेंट विल बी मूव टू द न्यू लोकेशन। आपका जो कंटेंट है वो न्यू लोकेशन पर मूव हो जाता है। लाइक दिस, जैसा कि आपने यहाँ पर 3 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करते हुए और जहाँ हमको ले जाना चाहते हैं, सपोज आप सी रो में लाना चाहते हैं, C2, C3, C4 में, तो वहाँ पर हम इसको ड्रैग करते हुए लाएंगे और इसको C2, C3, C4 पर रिलीज कर देंगे। तो आपका जो A2, A3, A4 का डेटा होता है वो C2, C3, C4 पर मूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द फिल हैंडल टू फिल सेल। द फिल हैंडल इज यूज टू फिल द सेल विथ सेम कॉन्टेंट। फिल हैंडल का फीचर्स का यूज हम सेल्स को सेम कंटेंट से फिल करने के लिए करते हैं। टू यूज द फिल हैंडल्स फॉलो द स्टेप्स। फिल हैंडल फीचर्स यूज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल विच हैज द कंटेंट यू वांट टू फिल इन द अदर सेल। सबसे पहले उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिस कंटेंट को आप अदर सेल में फिल करना चाहते हैं। सेकेंड, मूव योर माउस ओवर द एजेस ऑफ द सेल। और अपने माउस को सेल के एजेस पर ले जाएंगे। यू विल नोटिस That the cursor changes the shape from white cross to a black cross. आपका जो cursor है वो white cross से black cross में change हो जाता है। Press the left mouse button and drag over the cell you want to fill. आपको left mouse button press करना होता है और इसको उन सभी cells पर हमको over करना होता है, drag करना होता है जहाँ जिन cells पर हम fill करना चाहते हैं। फिर आता है रिलीज द माउस बटन एंड यूर सेल विल बी फिल्ड विद द सेम कॉन्टेंट। और अपने माउस बटन को आप रिलीज कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका जो सेल्स हैं वो आपके सेम कॉन्टेंट से फिल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर A2 का जो कॉन्टेंट है इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे हमारा माउस पॉइंटर ब्लैक क्रॉस में होता है तो इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हुए लाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्टेंट है वो सेम जो सेल्स है वो सेम कॉन्टेंट से फिल हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेसिक कैलकुलेशन यूजिंग ऑटोसम। कुछ बेसिक कैलकुलेशन ऑटोसम के द्वारा
ऑटोसम का यूज बेसिक कैलकुलेशन के लिए, आइए जानते हैं। ऑटोसम इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ सीरीज इन अ कॉलम एंड और रोज। ऑटोसम का यूज किसी नंबर के सम को फाइंड करने के लिए किया जाता है जो कि एक सीरीज में, कॉलम या रो की एक सीरीज में अरेंज होते हैं। सिलेक्ट द सेल्स विद द डेटा डेट यू वॉन्ट टू सम अप। सबसे पहले उन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेटा मीन्स जिसके डेटा को हम सम अप मीन्स जिसके डेटा को हम सम अप करना चाहते हैं। एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द सेल आफ्टर द लास्ट डेटा सेल, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम लास्ट डेटा सेल तक उसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे तक सिलेक्ट करते हैं। इन द गिवन एग्जाम्पल, जैसा कि दिए गए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यू कैन सी डैट सेल्स B2 to B4 कॉन्टेंट द डेटा डेट इज टू बी समड अप। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें B2 से लेकर B4 तक का डेटा जो है वो सम अप करना है, इसका हमें इन तीनों सेल्स के डेटा को सम करना है, प्लस करना है। वी हैव सेलेक्टेड सेल्स फ्रॉम B2 to B5, तो हम सेल सेलेक्ट करेंगे B2 से लेकर B5 तक। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो B5 में आएगा, इसलिए हमको B5 तक की सेल को सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। सेकंड आता है क्लिक ऑटोसम आइकॉन सिग्मा ऑन द होम टैब, और ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है ऑटोसम आइकॉन, इसको होम टैब से सेलेक्ट करेंगे इन द एडिटिंग ग्रुप, जो कि हमको एडिटिंग ग्रुप में मिलता है। अल्टरनेटली प्रेस द एंटर की, इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे, द सम विल बी डिस्प्ले इन द सेल B5। तो आप देखेंगे हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए सेल के जो सम है वो हमारा B5 सेल में शो होता है लाइक दिस। नेक्स्ट आता है सेविंग अ वर्क बुक, किसी वर्क बुक को सेव करना। टू सेव योर वर्क बुक इन द फोल्डर फॉलो द स्टेप। वर्क बुक को सेव करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। क्लिक फाइल टैब, सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सेव, सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेव एस डायलॉग बॉक्स अपीयर आपके सामने। सेव एस का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, सिलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वांट टू सेव द वर्क बुक। अब इस सेव एस डायलॉग बॉक्स में से ऐसे फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां अपनी वर्क बुक को आप सेव करना चाहते हैं। एंटर अ नेम फॉर द वर्क बुक इन द फाइल नेम बॉक्स, अब उस वर्क बुक में के फाइल नेम बॉक्स में अपने वर्क बुक का नेम फिल करेंगे। फिफ्थ नंबर आता है क्लिक सेव, और इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। योर वर्क बुक विल बी सेव्ड इन द सिलेक्टेड फोल्डर विथ .xls एक्सटेंशन, आपका जो वर्क बुक है वो .xls एक्सटेंशन नेम के साथ फोल्डर में सेव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे फाइल टाइप में जाकर के सेव पर क्लिक किया, और जो आप देख रहे हैं ये सेव एस का डायलॉग बॉक्स ऐसे अपीयर हो जाता है, सेव एस का जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। यहाँ फाइल नेम में अपने वर्क बुक का नाम हम लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप नेम दे सकते हैं, और सेव एस टाइप जो है आपका एक्सेल वर्क बुक, ये आपका नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर सेव बटन दिया गया है, इस पर हम प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्क बुक है हमारे फाइल नेम के साथ सेव हो जाता है, .xls एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाता है। लास्ट पॉइंट हमारे चैप्टर का आता है क्विटिंग MS Excel, MS Excel को क्विट करना, MS Excel से बाहर आना। टू क्विट MS Excel फॉलो द स्टेप, फर्स्ट क्लिक द फाइल टैब, सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, क्लिक द एग्जिट ऑप्शन, इसके बाद एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अल्टरनेटली इसके अलावा सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लिक द क्लोज बटन, आप दिए गए विंडो में ऊपर क्लोज बटन जो होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं ऑन द टाइटल बार, जो कि टाइटल बार के राइट हैंड साइड आपको मिलता है। द MS Excel विंडो विल बी क्लोज, आपका जो MS Excel विंडो है ये क्लोज हो जाता है। इफ़ यू क्विट MS Excel विदाउट सेविंग द फाइल, अगर आप MS Excel को अपनी फाइल अपने डॉक्यूमेंट को सेव किए बिना क्विट करते हैं, MS Excel विल बी प्रॉम्प्ट यू टू सेव इट, MS Excel आप प्रेरित करता है इसे सेव करने के लिए। यू मस्ट सेव इट बिफोर क्विटिंग, आपको इसे सेव करना जरूरी होता है क्विट करने से पहले, जिसके लिए MS Excel आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है, आपको प्रेरित करता है डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड टू बुक्स, इसमें तीन ऑप्शन होते हैं सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। अगर आप सेव करना चाहते हैं, आपने सेव नहीं किया है तो आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, अगर आप ऑलरेडी सेव कर चुके हैं तो इसके लिए आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने MS Excel को डॉक्यूमेंट सेव करके क्विट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हमने जाना कि किसी सेल कंटेंट को आप कट और पेस्ट कैसे करते हैं, किसी सेल के कंटेंट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं,
यूजिंग द फिल हैंडल टू फिल सेल। फिल हैंडल का यूज एक सेल में कैसे किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही में हमने जाना है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्सेल में काफी यूजफुल होता है, बेसिक कैलकुलेशन यूजिंग ऑटोसम एंड हमारे वर्क बुक को सेव करना, और साथ में जाना जब सारा वर्क हमारा हो जाता है तो एमएस एक्सेल को हम क्विट कैसे करते हैं। आई होप टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।